तो वही फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मुख्य बाजार में दुकानदारों के लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर विवाद हो गया। इस बीच बाजार में दुकानदारों में भीड़ देखने को मिली। पुलिस के साथ दुकानदारों ने जमकर बहस की। दुकानदारों का आरोप है कि बाजार में पुलिस की शह पर कुछ दुकानें खोली जा रही है और धड़ल्ले से सामान बेचा जा रहा है, जबकि कुछ दुकानदारों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। विवाद के बाद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने कहा कि लोगों को पुलिस से परेशानी हो तो शिकायत करे। पुलिस से उलझे ना, बता दी कि शहर में एसोसिएशन दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए। आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से कुछ दुकानदार पीछे के रास्ते से सामान बेच रहे। पुलिस सामान बेचने में दुकानदारों की मदद कर रही है। चौकी इंचार्ज का कहना है कि कुछ दुकानदार पीछे के रास्ते से दुकान खोलकर सामान बेच रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। या तो आप पूरी तरह से इसको बंद करवाइए या पूरी तरह से खुलवाइए। जब आप उनको दिवा सकते हैं और कह रहे हैं प्रूफ करा दो, मैं प्रूफ करा रहा हूँ, आप चलो मेरे साथ, आप मेरे साथ चलो, मैं ग्राहक बन के आपको जिससे कहो सामान दिलवाता हूँ। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पूरी तरह से फेल है। कोई व्यापारी नहीं खोलना चाहता, लेकिन दो दुकानें खुलेंगी तो उसमें फिर चार और खुलेंगी उसके सारे। भैया पुलिस वाले बैठे रहते हैं दुकानों के बाहर में, दुकान का शटर उठते और मिल जाता है, उनको देख के और दुकानदार आते हैं। अब वो ये कहते हैं भैया जब वो पुलिस वाले काम करा रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते। पुलिस उनके पीछे डंडे लेके भागती है, इसलिए हमारा एक बंदा अभी पीछे गिर गया और बेहोश है। या तो बाजार पूरा बंद करवाओ, नहीं करवा सकते तो पुलिस वालों से कहो अपने वहाँ बैठ जाए, जाके हम काम करें। सर पुलिस वालों ने रिश्वत ले ले काम कर रहे हैं। सर हम पागल हैं, दुकान खोल कर चोरी की तरह आ रही, चोर की तरह सामान दे रही, पागल हैं हम। और हम करते हैं तो पुलिस वाले डंडा उठाते, हमारा आदमी एक बेहोश हो गया, हम पागल हैं। एक बार बताओ सर। सर यही तो है कि आधा बाजार खुला, आधा बाजार बंद, दो चार बंदे बात कर रहे हैं तो हम उसमें कर रहे हैं। सर प्रशासन गलत बोल रहा है, इसको समझाया जाए। मैं ये कह रहा हूँ दुकान पूरी खोली जाए या सारी बंद कर दी जाए। बता दें कि हाथ में तो जो हाथ में नहीं है, यहाँ खाने दो आदमी छोड़ रखे हैं, दो आदमी बाहर काम छोड़ कर, 4 बजे 6 बजे जब यहाँ बंद होगा, आधी मार्केट खुल रही है आधी बंद है, ऐसे काम नहीं हो सकता। आप बड़े दुकानदार खोल के वीडियो भी बना के गए, मगर कुछ नहीं हो उसके। आप देखोगे व्हाट्सएप वगैरह पे आप सबके आए होंगे वीडियो, किसी किसी दुकानदार के उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। छोटे वाले क्या खोल लेते, पुलिस वाला आके वीडियो बनाने लग जाते हैं। ये तो यहाँ पे एक बंदा था वो गिर गया, वहाँ पे बात हो रही है खाली। या तो पूरा बाजार बंद हो जाए, कोई बाजार में नजर ही ना आए, चाहे वो जानकार हो चाहे कुछ भी हो। दुकानों के बाहर ना कुछ लोग, जैसे जो दुकानों पे काम करने वाले नौकर हैं वो कई बार आ जाते हैं, कई बार मालिक आ जाते हैं जी। हम उनको भगाते हैं तो पुलिस को देख के भाग जाते हैं जी। और जब थोड़ा हम आगे चले जाते हैं वो फिर दोबारा से पीछे आ जाते हैं। पीछे भी हम लोगों ने ड्यूटियां लगाई हुई हैं और इसी वजह से जो ना ये लोग थोड़ा सख्ती हम लोग इसीलिए करते हैं कि भाई जो इनकी दुकानों की बैक साइड है वहाँ भी मैंने ड्यूटियां लगाई हुई है, ब्राह्मणवाड़ा में, जैन गली में, सारी जगह ड्यूटियां लगाई हुई है। लेकिन एक एक दुकान में जैसे 10-10 नौकर हैं तो कई कई नौकर आगे बैठ जाते हैं, कई बार मालिक भी आ जाते हैं।